देखिए अक्सर आपसे पूछा जाता है कि नौसादर, तो नौसादर क्या होता है केमिस्ट्री में, नौसादर का आपका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, नौसादर किसे कहते हैं, या नौसादर में किस प्रकार का बॉन्ड होगा, क्योंकि हम लोग रासायनिक आबंधन पढ़ रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग, राइट। तो सबसे पहले आप जाने हैं कि नौसादर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है जी, NH4Cl, क्या होता है, और रासायनिक नाम क्या हो जाएगा तब, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम, ठीक बात है। वहां से आप जाने कि नौसागर किसे कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड इज नोन एज नौसागर, ठीक है। अब देखिए सर, तो नौसागर होता क्या है, किस तरह से होता है, तो फिटकरी की तरह ही होता है, लेकिन ये पारदर्शी होता है, कैसा होता है, मतलब कलरलेस ही होता है, जैसे फिटकरी आप, तो फिटकरी के मॉलिक्यूल ज़्यादा जो है पास पास होते हैं, ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी, ठीक है। अच्छा अब देखो, प्राकृतिक रूप से ये जो भट्ठा होता है ना, जहाँ ईंट पकाए जाते हैं, तो भट्ठे की जो जो राख होती है, भट्ठा वाली सफेद सफेद टाइप में होती है, उस राख में अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है, ठीक है। तो नेचुरली आप वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सारी इसकी खूबियाँ हैं, तो पहली बात तो ये हो गया कि नौसागर जो है जल में पूर्ण रूप से क्या होता है, विलेय होता है, नौसागर क्या होता है जल में, अब विलेय होगा, तो अब इस पे क्वेश्चन पुट अप हुआ कि इसका जो विलयन होगा वो कैसा होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, बताइए। तो नौसागर देखिए, जब आप इसको पानी में घोलेंगे तो क्या देगा, ये एक लवण है, साल्ट है, नौसागर क्या है, साल्ट है, लवण है, तो पानी में घोलेंगे तो ये वियोजित हो जाएगा, NH4 धनायन देगा और Cl क्या होगा, ठीक बात है। अब ध्यान दें कि जो NH4 है ये जल से क्रिया करेगा तो NH4OH बनाएगा, और Cl है, जैसे जल में यह धनायन और OH धनायन है ना, तो Cl है, ये क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। तो NH4OH एक दुर्बल क्षार है, और जबकि HCl क्या होता है, प्रबल अम्ल है, तो इस कारण जो इसका विलयन होगा वो कैसा होगा, अम्लीय होगा, जो प्रबल होता है उसका गुणाता, तो यानी अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, ठीक बात है। अब देखें और भी बहुत सारे इसके गुण आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से देखें कि नौसागर में बॉन्ड कैसे बनता है। तो अभी हमने आपको दिखाया कि NH4Cl एक साल्ट है, तो भैया ये बनाएगा NH4 धनायन बनाएगा, ठीक है, बोलो और क्या बनाएगा, Cl धनायन बनाएगा, ऐसे बनाएगा, अच्छा। अब ध्यान दीजिए, तो इसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पुट अप होता है कि अमोनियम क्लोराइड में कौन कौन से आबंध उपस्थित हैं। तो पहला आबंध तो आपको दिख रहा है, कौन सा आबंध हो गया है, वैद्युत संयोजी, कौन सा बंध हो गया, अरे आयन बन रहा है, तो पहला आबंध कौन सा हो गया इसमें, है कि नहीं है, बोलो, अच्छा, यानी अमोनियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजी भी बॉन्ड होता है। अब देखो NH4 धनायन का जो बॉन्ड बन रहा है, इसको आप ध्यान से देखें, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 5, कितनी होती है जी, 5, ठीक है जी, 5 बना दिया, इसके चारों ओर आपको हाइड्रोजन लगा देना है, इसे क्या बनाते हैं, थोड़ा साफ साफ देखो, अब देखो वो हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए ना, तो ये हाइड्रोजन इससे ये सिंगल बॉन्ड बना लिया, ठीक। तो नाइट्रोजन का जो ऑक्टेट रोल पूरा हो गया, इसके अंतिम को उसमें कई इलेक्ट्रॉन होगा, 8, यानी यह स्थायी हो गया, इसको अब जरूरत नहीं इलेक्ट्रॉन की, ये तीनों हाइड्रोजन के भी पूरे हो गए। अब ऐसा बाबू माना जाता है कि नाइट्रोजन के पास कई इलेक्ट्रॉन बचे हैं, अभी 2 बचे हैं भाई, 3 तो बॉन्ड बना लिए, 2 बचे हैं। अब ये जो प्लस आवेश आया है, तो ये माना जाता है कि हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन को दे दिया मान, तो दे दिया, तो इसलिए इसमें आ गया प्लस। अब हाइड्रोजन के पास कई इलेक्ट्रॉन है, एक भी इलेक्ट्रॉन है, यानी जो ये एक परमाणु बचा है इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हाइड्रोजन को, 2, नाइट्रोजन के पास 2 है, कौन सा बंध बनाएगा, कोऑर्डिनेट, ठीक है, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन को दे देगा, ठीक बात है। तो अब इस तरह से अब इसका टोटल बॉन्ड बना कुछ यूं, तो अब आपसे पूछा गया कि अमोनियम क्लोराइड में कौन कौन से बॉन्ड उपस्थित होते हैं, तो पहला हो गया वैद्युत संयोजी प्लस माइनस के कारण, ये कौन सा बंध है, सहसंयोजी,
कोवेलेंट बॉन्ड, और ये कौन सा बॉन्ड है? तो अमोनियम ब्रोमाइड या नौसागर में कौन कौन से बंध उपस्थित होते हैं? वैद्य सहयोजी, सहसहयोजी और तीनों प्रकार के बंध इसमें पाए जाते हैं। ठीक बात है जी। अब देखिए इसका यूज क्या है। तो इसका यूज पुराने समय से मेडिसिन बहुत सारी दवाइयों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक बात है। सबसे पहला उपयोग जो हमारे केमिस्ट्री में हुआ तो उसको प्रिस्टले साहब ने किया। किसने किया सर? प्रिस्टले ने क्या किया? प्रयोगशाला में उन्होंने अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करके अमोनिया बनाया। प्रिस्टले ने अमोनियम क्लोराइड के द्वारा प्रयोगशाला में क्या बनाया? अमोनिया गैस बनाया। आप भी बना सकते हो। कैसे? तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl राइट, इसको आप क्रिया कराते हैं बुझे चूने से। बुझे चूने का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर है? इससे आप रिएक्शन कराओगे सर तो इसका दो अणु ले लो तो बनाएगा सर CaCl2 बनेगा। अच्छा जी। +2NH3 क्या बनेगा? और हाइड्रोजन अब कितना बच गया आपका? अरे 2+3 6 हो गया, क्या 2+4+8+10। ठीक है, हाइड्रोजन कितने बचे? तो 2H2O चार हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 हो गया। देखो ऑक्सीजन 2+4+8+10 2+3+6 2+2=10 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 भले सर। तो इस तरह से क्रिस्टले ने नौसागर का प्रयोग करके क्या बनाया सर? अमोनिया का निर्माण किया प्रयोगशाला। तो ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यूज है। साथ ही देखिए नौसागर का उपयोग दैनिक जीवन में मतलब आम जीवन में भी इसका गांव में घरेलू दवाओं के रूप में इसका किया जाता है। एक इसका ड्रॉबैक ये रहा कि नौसागर का उपयोग नशे के तौर पर भी किया जाता है। ये नशीला होता है। ठीक है, तो जैसे जो मादक पदार्थ होते हैं जैसे मान लो ताड़ी उड़ी जो होता है गाँव में होता है तो उसमें नौसागर डाल देते हैं सब, तो उसका जो है नशा और बढ़ जाता है। तो इसको मादक द्रव्य के रूप में भी प्रयोग इसका किया जाता है। समझ में आई बात? तो ये है नौसागर जिसका रासायनिक नाम क्या होता है जी? समझ में आ गया जी? धन्यवाद। थैंक यू।